आरसीबी वर्सेस एसआरएच के बीच खेला गया आईपीएल का काफी घातक और विस्फोटक मुकाबला। आरसीबी और एसआरएच के बीच तूफानी विस्फोटक आईपीएल का मुकाबला रहा, जहां पर आरसीबी ने जो है काफी तूफानी विस्फोटक शुरुआती में बल्लेबाजी की, लेकिन फिर एसआरएच के घातक विस्फोटक गेंदबाज और बल्लेबाजों ने आरसीबी के गेंदबाजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप सभी को बता दें कि एसआरएच ने काफी बेहतरीन और विस्फोटक तरीके से आरसीबी को खदेड़ दिया और आरसीबी फिर एक बार यहां पर 7 मुकाबले में से 1 मुकाबला जीती और 6 मुकाबले फिर लगातार हार गई। आप सभी को बता दें कि यहां पर एसआरएच ने मुकाबला काफी बेहतरीन तरीके से जीता और आरसीबी को काफी बड़ा झटका लग चुका है, जहां पर आरसीबी डीसी और एमआई को लगा तगड़ा झटका, सीएसके भी देखकर हैरान और आरआर को मिली काफी बड़ी खुशखबरी। पॉइंट्स टेबल के बारे में सब कुछ आपको पूरी की पूरी जानकारी देने वाले हैं कि कौन सी टीम कितने नंबर पर रैंक कर रही है और किसके पास कितना नेट रन रेट है और किसके पास कितने पॉइंट है। आप सभी को पॉइंट्स टेबल के बारे में जानकारी देने वाले हैं। पॉइंट्स टेबल में काफी बड़ा हड़कंप मच चुका है क्योंकि आरसीबी लगातार हारने के बाद अब बाहर का रास्ता पूरी तरीके से देखने वाली है। विराट कोहली अब इस टीम में खेलना नहीं चाहते, आखिरकार उन्होंने क्या कहा है सब कुछ आपको बताएंगे और दिखाएंगे। बस सबसे पहले आपको पॉइंट्स टेबल के बारे में बता दें कि पॉइंट्स टेबल आज का क्या कह रहा है, कौन सी टीम कितने नंबर पर इस समय रैंक कर रही है। 10वें नंबर पर आ चुकी है, बिल्कुल लास्ट में वो है आरसीबी, जिन्होंने 7 मैच अभी तक खेले हैं, सिर्फ 1 मुकाबला जीती और 6 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। इनके पास महज 2 पॉइंट है, इनका नेट रन रेट -1.185 इसका बचा है। आप सभी को बता दें कि 9 नंबर पर आती है डीसी, दिल्ली कैपिटल की टीम, जहां पर 6 मैच खेले हैं, 2 मुकाबले सिर्फ जीती और 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। इनके पास 4 पॉइंट है, इनका नेट रन रेट -0.975 इसका नेट रन रेट इस समय उपलब्ध है। अब हम बात 8वें नंबर पर, तो 8वें नंबर पर आती है एमआई, मुंबई इंडियंस टीम, जहां पर इसके कप्तान हार्दिक पांड्या हैं, 6 मैच खेल चुके हैं, 2 मुकाबले जीते हैं और 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इनके पास 4 पॉइंट उपलब्ध है, इनका नेट रन रेट -0.234 बचा है। अब हम बात करेंगे 7 नंबर पर, तो 7 नंबर पर पीवीके यानी कि पंजाब की टीम, जहां पर इन्होंने 6 मैच खेले हैं, 2 मुकाबले सिर्फ जीते हैं और 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। इनके पास 4 पॉइंट है, इनके नेट रन रेट की बात करें तो -0.218 इसका नेट रन रेट समय उपलब्ध है। अब हम बात करेंगे जीटी गुजरात टाइटल, जिसके कप्तान शुभमन गिल हैं, काफी बेहतरीन विस्फोटक टीम है, आरसीबी से काफी ज्यादा बेहतर खेल रहे हैं। गुजरात टाइटल ने अभी तक 6 मैच खेले हैं, 3 मुकाबले जीते हैं और 3 मुकाबले हारे हैं और यहां पर इनके पास 6 पॉइंट उपलब्ध हैं। अगर हम इसके नेट रन रेट की बात करें तो -0.637 इसका नेट रन रेट इस समय उपलब्ध है। अब हम बात करेंगे 5वें नंबर पर, तो 5वें नंबर पर है लखनऊ की टीम, यानी कि आप सभी को बता दें विकेटकीपर केएल राहुल की टीम है। यहां पर इन्होंने एलएसजी ने 6 मैच खेले हैं अभी तक और 3 मुकाबले जीते हैं, 3 अपने नाम किए हैं। यहां पर आप सभी को बता दें कि यहां पर 3 मुकाबले जीते हैं और 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। 6 पॉइंट इनके पास है, नेट रन रेट की बात करें तो +0.038 इसका नेट रन रेट इस समय उपलब्ध है। अब हम बात करेंगे 4थे नंबर पर, तो 4थे नंबर पर टीम है एसआरएच की। आप सभी को बता दें कि काफी बेहतरीन विस्फोटक टीम है, जिसमें ट्रेविस हेड जैसे काफी ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मौजूद हैं, जहां पर आरसीबी को उन्होंने खदेड़ दिया और आरसीबी के गेंदबाजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एसआरएच ने 6 मैच खेले हैं, 4 मुकाबले अपने नाम किए, 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। इनके पास 8 पॉइंट है, नेट रन रेट की बात करें तो +0.502 इसका नेट रन रेट इस समय उपलब्ध है। अब हम बात करेंगे 3रे नंबर पर, तो 3रे नंबर पर टीम है सीएसके, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी, ऋतुराज गायकवाड़ की टीम, जो काफी ज्यादा टॉप नंबर की टीम है, लेकिन इस समय यह भी 3रे नंबर पर चल रही है। आप सभी को बता दें सीएसके ने अभी तक 6 मैच खेले हैं चेन्नई सुपर किंग ने और 4 मुकाबले जीती है, 2 में हार का सामना करना पड़ा है। इनके पास 8 पॉइंट है, नेट रन रेट की बात करें तो +0.726 इसका नेट रन रेट इस समय उपलब्ध है। अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर है केकेआर की टीम, जो काफी ज्यादा बेहतरीन और विस्फोटक टीम है, यानी कि श्रेयस अय्यर की टीम है। श्रेयस अय्यर काफी अपना बेहतरीन तरीके से आईपीएल 2024 में प्रदर्शन दिखा रहे हैं, जहां पर दूसरे नंबर पर समय रैंक कर रहे हैं। इन्होंने 5 मैच खेले हैं, 4 मुकाबले अपने नाम किए हैं, सिर्फ 1 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। इनके पास 8 पॉइंट है, अगर नेट रन रेट की बात करें तो +1.688 इसका नेट रन रेट इस समय उपलब्ध है। अब हम बात करेंगे पहले नंबर पर, यानी कि फर्स्ट नंबर पर जो टीम है वो आरआर टीम है, संजू सैमसन की काफी बेहतर टीम है। यहां तक अभी 6 मैच खेले हैं, 5 मुकाबले अपने नाम किए हैं और 1 मुकाबला सिर्फ हारी है। इनके पास सबसे ज्यादा 10 पॉइंट है, नेट रन रेट की बात करें तो +0.767 का नेट रन रेट उपलब्ध है। आप सभी को बता दें कि केकेआर और 1 नंबर टीम आरआर, ये दोनों टीम पहले और दूसरे नंबर पर चल रही है। 3रे नंबर पर सीएसके, 4थे नंबर पर एसआरएच है, 5वें नंबर पर एलएसजी है, 6ठे नंबर पर जीटी है, 7वें नंबर पर पीवीकेएस है, 8वें नंबर पर एमआई है, 9 नंबर पर डीसी और 10 नंबर पर बिल्कुल लास्ट में आरसीबी है, जहां पर आरसीबी को लेकर के काफी बड़ा झटका लग चुका है। अब हो सकता है कि आईपीएल 2024 के ये बाहर हो जाए टीम, क्योंकि यहां पर कई मैच लगातार हारी, यानी कि 6 मैच हारी है, डीसी 4 मैच हारी है, एमआई 4 मैच हारी है, पीवीकेएस 4 मैच हारी है, जीटी भी 3 मैच हारी है और एलएसजी भी 3 मैच हारी है, एसआरएच भी
यूनाइटेड 2 मैच हारी है, सीएसके 2 मैच हारी है और केकेआर और आरआर 1-1 मैच हारे हैं। आप सभी को बता दें कि 5 टेबल और यहाँ पर जो है हमने पूरी की पूरी आपको जानकारी दी। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।